सो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका एक और डोज, डेली डोज विद काजू में। तो आप ये सोच रहे होंगे मैं इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्यों कर रहा हूँ और ऐसे वीडियो में क्या है जो मैं ऐसे बैठ के आपको हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी तो सीन ऐसा भाई कि अभी मैं जा रहा हूँ दुर्गा पूजा देखने और दुर्गा माता की पूजा करने। कहाँ पे? हमारे दिलशादगढ़ में दुर्गा पूजा लगती है, मतलब होती है यहाँ पे हर साल, और कहते हैं नवरात्रि के लास्ट के 3-4 दिन होती है। तो अभी जाऊँगा वहाँ पे, तो वो आपको दिखाना था। मैंने सोचा कवर भी नहीं करा मैंने यहाँ पे, तो एक स्पेशल चीज़ है, स्पेशल त्यौहार चल रहे हैं अभी, जैसे कि रामलीला चल रही है, दुर्गा पूजा चल रही है और अभी दशहरा आने वाला 5 तारीख को। तो गाइज बेसिकली कह रहा है दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है और हम क्यों जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, एक दुर्गा पूजा के बारे में जो मैंने अभी सुना है, पढ़ा है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसका शरीर आधा भैंसे का था और आधा राक्षस का था। तो उसने बहुत घने मतलब बहुत घनघोर तप करा और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, वरदान ऐसा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले मैं अमर तो कर नहीं सकता, तो इसके जगह तुम मुझसे कुछ और मांग लो। तो उसने बोला मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मुझे कोई देव मार पाए, ना कोई मुझे मनुष्य मार पाए, ना कोई जानवर। तो वो ये वरदान पाके बहुत शक्तिशाली हो गया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और वो चले गए। तो उसके बाद महिषासुर ने क्या करा, महिषासुर ने युद्ध छेड़ दिया, मनुष्य को परेशान करा और उसके बाद अपना स्वर्ग लोग गए, वहाँ पे जाके उन्होंने स्वर्ग लोग जीत लिया, वहाँ पे देव वगैरह से लड़ाई करके स्वर्ग लोग जीत लिया और ऐसी कर करके उन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था। तो ऐसे ही देव लोग सारे परेशान होकर ना गए थे त्रिदेव के पास, मतलब महादेव जी के पास, विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी के पास। तो उन्होंने बोला महिषासुर का कुछ करो, वध करना अनिवार्य है क्योंकि महिषासुर को अगर नहीं मारा तो फिर वो बहुत गलत कर देगा और अपना राज्य चलाएगा सब जगह, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का वरदान पाके बहुत शक्तिशाली था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो उससे युद्ध नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी का वरदान है कि तू ना तेरे को मनुष्य मार पाएगा जो भी मैंने बताया आपको, ना कोई देव ना कोई जानवर। तो शिव जी ने त्रिदेवों ने माता दुर्गा को प्रकट करवाया, माता दुर्गा को बताया, माता दुर्गा फिर उनके पास गई महिषासुर के पास। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी सी एक स्वर्ग लोक की अप्सरा का रूप लिया और महिषासुर उनको देख के ही प्रसन्न हो गया कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। बात बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, तो दुर्गा माता ने बोला कि तुम पहले मुझसे युद्ध कर लो, अगर तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। दुर्गा माता तो दुर्गा माता जी है हमारी, तो उन्होंने उनसे युद्ध करना स्टार्ट कर दिया और दुर्गा माता ने महिषासुर को हरा दिया, उसका वध कर दिया। तो इसी कारण की वजह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, क्योंकि ये मान्यता है ये अश्विनी के महीने में ही आती है, दुर्गा माता धरती पर प्रकट होती हैं हर साल, इसलिए हम दुर्गा पूजा मनाते हैं और इसीलिए ही दुर्गा माता का पूजन होता है कि उन्होंने हमारी रक्षा करी थी महिषासुर से और उसका वध किया था, इसलिए दुर्गा माता हमारी धरभूमि में प्रकट होती है हर साल और इसलिए दुर्गा पूजा मनाई जाती है अश्विनी के महीने में। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ से, सीधा जाऊँगा दुर्गा पूजा। यही बात थी कि महिषासुर का वध करा था दुर्गा माता जी ने, तो अभी मैं जाऊंगा दुर्गा पूजा, आपको दिखाऊंगा सारी कैसी होती कैसी नहीं होती, तो एंजॉय करेंगे बिल्कुल ही, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। बहुत बहुत एक तो दुर्गा पूजा दुर्गा माता का पूजन होता है, वहाँ पे आरती होती है और उसके बाद स्टॉल लगे होते खाने पीने के, बहुत चीज़ें भी जाके दिखाता हूँ, मेला ही होता सॉर्ट ऑफ, और इसी के साथ रामलीला भी चलती है नवरात्रों के अंदर, तो वो भी दिखाऊंगा, वो आएगा नेक्स्ट डोज में, ठीक है। पहले हम जाएंगे दुर्गा पूजा, फिर आपको दिखाऊंगा रामलीला, फिर आपको दिखाऊंगा मेला जो रामलीला में लगता है। अब रामलीला के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट डोज में जब उसकी वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा कहाँ पे, दुर्गा पार्क। बाय। अब हम जा रहे हैं दुर्गा पार्क। दर्शन करेंगे दुर्गा माँ के। हमने कर लिए हैं दर्शन दुर्गा माँ के और अब हम देखने जा रहे हैं म्यूजिक, लाइव म्यूजिक शो।
तो गाइस यहाँ हो चुकी है दुर्गा पूजा पूरी, फिर से हमें लेट हो गया आने में, खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। मैंने दिखा दिए सारे सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह में, हमने एंजॉय कर लिया। अभी ब्रीफली बाहर जाके बताता हूँ ढंग से। चल भाई जल्दी चल। तो गाइस यहाँ पे होती दुर्गा पूजा, जैसे मैं आपको सारी चीज़ दिखा चुका हूँ, और दुर्गा पूजा क्यों होती है वो भी सारी आपको घर पे बता ही चुका हूँ। तो मैंने सोचा ज़्यादा बोलते नहीं है इस वीडियो में, उसको आपको कंटेंट दिखाते रहते कि क्या क्या होता है वहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली क्या है, सारे स्टॉल्स लगते हैं खाने पीने के हो गए, और सामान वगैरह के भी होते हैं, जैसे मेला टाइम मेले भी लगते, बैटरी के, बैटरी सस्ते रेटों में मिलते, इन्वर्टर की बैटरी वगैरह, चावल राशन की सब सारा, मतलब ए टू लेके ए से लेके जेड तक सारा स्टॉल लगता है यहाँ पे, फुल बढ़िया सा। और खाने पीने का बाहर भी, आउटर एरिया में भी लगा हुआ है, इनर में भी लगा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या इंश्योरेंस में सब चीज़ें लगती हैं यहाँ पे। और अंदर यहाँ पे जो भी आपको दिखाया, म्यूजिक शो भी होता है, बहुत बढ़िया मज़ा आता है यहाँ पे। निकलते हो अब, जाते हैं रामलीला की ओर, वो ब्लॉग आपका आएगा नेक्स्ट। तो इस ब्लॉग को भी थोड़ा सा और लेते हैं आगे तक, पहुँचते हैं रामलीला तक, फिर मैं क्लोज करता हूँ इस वीडियो को, फिर मिलते हैं कहाँ पे, रामलीला की साइड। सो गाइस बेसिकली क्या, मैं वहाँ से निकल के आ चुका क्योंकि यार रात होने लगी 10:30 बजे के टाइम हो रहा है, और 10 बजने वाले, तो मैं सोचा पहले जल्दी जल्दी रामलीला वगैरह भी देखाते हैं। तो उसका व्लॉग तो आपको अगले व्लॉग में मिलेगा ना भाई। अजय वैसे कैसी लगी तेरे को दुर्गा पूजा भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कल फिर आएगा भाई? कसम से मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत पहले से आता था अपने दोस्त कुणाल के साथ। तो अब यही सीन है, अभी जा रहा हूँ मैं अपने यहाँ पे रामलीला देखने की, हनुमान वाटिका में होती है यहाँ देखने,
और अभी देखते हैं, मजे लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आपको भी बताते हैं, दिखाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो डेली डोज विद काजू, ये दूसरा एपिसोड है, अभी और एपिसोड आने हैं, तो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो नोटिफिकेशन के लिए। और मैं हनुमान वाटी का पहुंच चुका हूं, तो टू भी कंटिन्यू लिखा आ गया नीचे, तो मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, नेक्स्ट एपिसोड है, बाय।